ये बारी आई भैया जी की, इस पे है तताई, लोकल भाषा में रिंगाल कटरिंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। मैं विकास सोन, ये ब्लॉग है मेरा पहाड़ी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ। तो अभी है आम और फलिंडे का सीज़न। फलिंडे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसको कहते हैं जामुन, और अभी जामुन पके हुए हैं तो मैं जा रहा हूँ जामुन के लिए, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो अभी चलना है जामुन के लिए। यहाँ पर हमारे खेतों के बगल में भी जामुन थे, लेकिन वहाँ तो सुनने में आ रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने पूरे साफ़ कर दिए हैं। तो अभी मैं चलूँगा दूसरी लोकेशन पे, जो है गांव से थोड़ी दूर, और वहां चलेंगे हम गाड़ी से। तो चले चलते हैं और ले चलता हूं आपको वहां। ये है मेरी टीम, हम चलेंगे अभी फ्रेंड के लिए। देखिए, 1 2 3 4 5 जामुन, फलेंडे जामुन जो भी। ये है हमारे प्यारे से खेत जहाँ लगाई थी हमने रोपाई। और अगर आपने हमारी रोपाई का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये है गाड़ी जिससे हम जाएंगे। ये चली हमारी गाड़ी। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे, और यहां पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, देखिए कितने ज़्यादा जामुन के पेड़ हैं। ये हैं जामुन के पेड़ जो कि यहां बहुत सारे हैं। एक ये है, एक वहां पे है, और एक यहां नीचे भी है, और इन पे जामुन बहुत सारे आ रखे हैं। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखिए कितने सारे जामुन हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहे होंगे ये पूरे जामुन हैं। अभी टाइम है पेड़ पे चढ़ने का, तो अभी देखिए ये है पेड़, और इस पे चढ़ूँ, इस पे करेंगे चढ़ाई, मतलब चढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे को तो पेड़ पे चढ़ना आता है नहीं, लेकिन चढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे साथ आ रखा है स्पेशलिस्ट पेड़ पर चढ़ने का, गग्गी। अभी देखिए ये कितनी जल्दी पेड़ पर चढ़ता है और कितनी जल्दी ये जो फलेंडे हैं उसको तोड़ता है, उसके बाद हम भी चढ़ेंगे। इतनी मजबूत पकड़ है इन पांवों की, और कैसे गग्गी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए बगल वाले पेड़ की मदद से वो पहुंच गया है जामुन के पेड़ तक। बहुत अच्छा, अभी चढ़ना है इतने ऊपर, बहुत ऊंचा पेड़ है ये, लेकिन गग्गी चढ़ लेगा, गग्गी इसको फतेह कर लेगा। ये बारी आई भैया जी की, ये भी चढ़ पड़े हैं, निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर कराते हुए। ये जामुन का पेड़ यहाँ पे है, मैं इसके बगल की वाले पेड़ से चढ़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा पेड़ है और इससे यहाँ पहुँचने में बड़ी आसानी हो रही है। आदर्श, और वो अभी पहुँचाएगा हमारे पास थैली, और ये थैली बहुत ही फास्ट सर्विस से पहुँच रही है। ये देखिए, नहीं आदर्श अभी फेल हो गया। आदर्श क्या कर रहा है भाई, ये आई थी। तो वो देखिए गगन कितने ऊपर पहुँच गया है, और ऊपर चढ़ना कॉन्स्टेंट है, बिना रुके बिना थके ऊपर की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे एक ग्रुप वहाँ नीचे है, और खाने भी लगे वो तो खाने भी लग गए हैं। वो छोटे पेड़ पे उन्होंने हाथ मारा है क्योंकि ऊंचे पेड़ पे चढ़ना उनके लिए थोड़ा कठिन था। दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है आदर्श, हाँ आदर्श ने हमको बताया है कि इस पेड़ पे जिस पे हम चढ़े हैं इस पे हैं तताई, लोकल भाषा में रिंगाल कटरिंगा। तो इस पे वो हैं वहाँ ऊपर, तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर उनको पता चलेगा तो वो हमारा बुरा हाल कर देंगे। और यहाँ से तो हम भाग भी नहीं सकते, देखिए कितना कितना ज़मीन से कितना नीचे हम, कितना ऊपर हम आ गए हैं। तो यहाँ से तो अगर नीचे गिरे तो सीधे यमराज जी का बुलावा आ जाएगा। तो अभी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा और थोड़ा बात भी कम करनी पड़ेगी। तो चढ़ता हूँ ऊपर, गगन तो उस वाली इस वाली शाखा पे चढ़ रहा है, तो अभी मैं जाऊंगा ऊपर पपैयों के से दोस्ती करने और उनसे मिलने। तो ये रहा हमारी मेहनत का पहला फल, काले काले जामुन, बड़े टेस्टी लग रहे हैं। तो अभी मैं इसको एक टेस्ट करके देख, तो कैसे हो रहे हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट जामुन, आहा बहुत टेस्ट हो रहा है, बहुत मीठा, बहुत मीठा स्वाद इसका। तो दोस्तों बहुत ही डेंजर लोकेशन में मैं पहुंच गया हूँ। मेरे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ
यहाँ बहुत ही खतरनाक सीन है। यहाँ से अगर नीचे गिरेगा आदमी तो सीधा यमराज के पास पहुँचेगा। लेकिन मेहनत का फल आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं, ये मेरी मेहनत का फल है। ये देखिए कितने काले काले जामुन, शायद आप देख नहीं रहे होंगे लेकिन मेरे चारों तरफ जामुन जामुन है और पतैया वहाँ ऊपर है, तो थोड़ा आराम से। दोस्तों ये देखिए काले काले जामुन, उनको देखिए मुंह में पानी आ रहा है। आहा, मेरी जीभ आप देख रहे होंगे, इतने ज़्यादा जामुन खा दे कि पूरी जीभ ने इन जामुनों का कलर पकड़ दिया, बैंगनी कलर। दोस्तों ये देखिए जामुन, दोस्तों जामुन हमने निकाल दिए हैं और अंधेरा हो गया है तो टाइम हो गया है नीचे जाने का, तो जामुन कम ही निकाले हैं हमने क्योंकि ऊपर ततैये थे। तो जब हम ऊपर गए तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बाहर घूमने लग गए थे एक दो, तो फिर क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ा शाखा वाखा हिल जाती है तो वो बाहर आ गए थे। तो उसके बाद हमने थोड़ा हरकतें कम की और जामुन बहुत दूर दूर से तो कम ही निकले हैं, ये इतने निकल पाए हैं। एक किलो के तकरीबन जामुन हमने निकाल दिए हैं, बहुत हैं स्टार्टिंग मतलब खाने के लिए, नवान करने के लिए। हमारी भाषा में बोलते हैं नवान करना, मतलब जो पहली जो फसल रहती है या पहले जो कोई फ्रूट रहते हैं उनको पहली बार जब हम सीजन में टेस्ट करते हैं तो उसको हमारे यहाँ नवान करना बोलते हैं। तो अभी टाइम हो गया है घर जाने का, पेड़ से नीचे भी उतरना है, तो अभी चलता हूँ घर और फिर मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।